नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी सेमवाल। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नाम नहीं ले रहा, एक ही नारा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। हरियाणा के पूर्व सैनिक यहां पर आए, पंजाब के पूर्व सैनिक यहां पर आए। इसी के साथ आज 25वें दिन मुजफ्फरनगर और ग्वालियर तक के पूर्व सैनिक जो है वो यहां पर मौजूद है और कुछ मांगे जो है जो लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ उन्हीं मांगों के साथ जो है खड़े हुए हैं यहाँ पर। अब जानना है, धरना तो हो रहा है, धरना तो हो रहा है, सवाल है, धरने तो खूब होते हैं, सामने है, साइड में, हर जगह धरने हो रहे हैं। सुना कितना जा रहा है और 25 दिन में थोड़ी बहुत प्रक्रिया सरकार की तरफ से आई हो कि हाँ आपकी सुनवाई होगी। अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आया नहीं है। हाँ। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो नदारद है। हाँ। वो क्यों नदारद है? क्योंकि ये अनुशासित सिपाही है, ये कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं आ रही है मीडिया। आप देखिए ना, टीआरपी कहाँ से बढ़ती है। हाँ। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। हाँ। ये किसी सरकारी संपत्ति को नहीं चलाएंगे। पर तब तक सर आप ब्रेकिंग बनाएंगे नहीं, तब तक की कैसे हुआ है कि कैसे आगे जाएगी खबर? अब ब्रेकिंग तो आपने बना दिया ना, ग्वालियर से भी है, मुजफ्फरनगर से भी है, आपने छोड़ दिया, केरल से भी है, तमिलनाडु से भी है, जो राजस्थान से भी है, राजस्थान से भी है। ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां उसका नुमाइंदा आज हमारे साथ यहां नहीं है। और आप 3 अप्रैल को देखेंगे कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक पूरे डिस्ट्रिक्टों में सोल्जर पूर्व सैनिक आपको डीएम कार्यालय पर, अपने जनप्रतिनिधि सांसद जी के पास, विधायक के पास अपने अपने ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी जो विसंगतियां हैं, जो मांगे हैं उनसे सरकार को अवगत कराएंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन जाएंगे। और आपको अगले दिन 4 अप्रैल को पता चलेगा कि आज हिंदुस्तान में पूर्व सैनिक किस तरह से सड़कों पर निकल कर ज्ञापन तो सर यहाँ से भी भेजा गया था ना, ज्ञापन 25 दिन में नहीं गया है, ज्ञापन यहाँ से भी गया है तो उसका क्या रहेगा? कर कुछ नहीं आया है, लेकिन हम हमारे भी लोग इधर उधर हैं। हाँ। हमको पता चल रहा है कि वहाँ हलचल हो रही है, हलचल है, हलचल है, हलचल की खबर पता कर ली है। अब आप हमारी खबर वहाँ तक पहुँचाते हैं तो कोई खबर वहाँ की हम तक भी पहुँचाते हैं। थोड़ी बहुत जाने है। आपको आपको मैं ये और भी बता देता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं एक खुद यूट्यूबर हूँ, सैनिक वेलफेयर न्यूज नाम से मेरा चैनल चलता है। आज 10,50,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं। चलो तो उन सब्सक्राइबर से कहो कि हमें भी देखें। मैं अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो हमको कवर कर रहे हैं मीडिया, आज इनको भी देखें और इनको भी सब्सक्राइब करें। हाँ। मैं आपको अच्छा, मैं यहाँ पर एक पोस्टर पढ़ रही थी मेडल को लेकर कि मेडल जो है आप लोग इतना करते हैं पर आपके पास एक भी मेडल नहीं है और अफसरों के पास बिना कुछ करे भी, बिना जो उठाए भी इतने मेडल है, 20 लाख के मेडल देने कहा जाता है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास मेडल नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे पास मेडल बहुत है, मेडल कम है, परसेंटेज के मुताबिक मुकाबले कम है। अब आप एक चीज बताइए, आपके घर में 4 मेंबर जो आपका सबसे नजदीकी होगा आप उसकी तरफ देखेंगे, जो बाहर बैठा है उसकी तरफ देखेंगे? सबसे पहले तो अपने नजदीकी वाले को देखोगे ना, तो ये जवान तो पोस्टों पर रहते हैं तो उनको जयचंदो को क्या करी बोलते हैं ना। एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा आपको। अकबर जी ने बीरबल से बोला कि बीरबल की दाढ़ी आपके पास नहीं है, दाढ़ी मेरे पास नहीं है, और अगर दोनों की दाढ़ी में आग लग जाए तो क्या करोगे आप? मेरे नौकर हो, बोले साहब नौकरी अपनी की है, पर पहले एक झटका अपने में लगाऊंगा फिर आपकी सब देखूंगा। तो जो देने वाले हैं पहले आपको देखेंगे या मुझे देखेंगे? पहले तो खुद को देखेंगे ना। अब इससे ज्यादा और कुछ मत कहना, आप पता नहीं क्या क्या मुंह में डाल के निकलवा लेंगे। अधिकारियों के ऊपर हमने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मगर उन्होंने विश्वासघात कर दिया। सिर्फ अब तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, हम 97% हैं और वे 3% हैं। सरकार सोच समझ के फैसला ले, हम आगे ये सब कुछ जानते हैं और हम सब कुछ करना भी चाहते हैं। नहीं तो सब जानते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।